हेलो प्रिय छात्रों, आज का टेस्ट स्टार्ट होता है। अब अगर आप सी टेट एम पी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो बाल विकास का टेस्ट जरूर दें। आपका स्कोर कितना आता है वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर की चालक शक्ति क्या कहलाती है? अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अभिप्रेरणा। नोट कर लें, मनुष्य के शरीर की चालक शक्ति कहलाती है आपकी अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। किस शरीर में किसी भी वस्तु की कमी अथवा अधिकता से उत्पन्न होने वाली स्थिति का नाम क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, सही होगा आवश्यकता, ठीक है। शरीर में किसी भी वस्तु की कमी अथवा अधिकता से उत्पन्न होने वाली स्थिति का नाम क्या होता है? आवश्यकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। एक पशु अपने बच्चों को मारकर खा जाता है, इस क्रिया में अभिप्रेरक कैसा होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है, जन्मजात। नोट कर लें, एक पशु अपने बच्चों को मारकर खा जाता है, इस क्रिया में कैसा अभिप्रेरक है? ठीक है, जन्मजात बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे सांप होता है, सांप अपने बच्चों को खा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फोर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। चारू एक IAS ऑफिसर बनना चाहती है, इस क्रिया में अभिप्रेरक कैसा होगा? जैविक, अर्जित, सामाजिक या शैक्षणिक? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। वर्ग 3 के एग्जाम में किसी ना किसी सेट में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन होगा, अर्जित अभिप्रेरक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञानी क्रेज बा क्रेज फील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा उत्तर देती है, ठीक है। आंसर जानते जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, सही होगा क्यों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य करने की प्रवृत्ति को जागृत करना ही अभिप्रेरणा है, किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, नोट कर लें, एटकिंसन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति अफीम का सेवन करता है, इस क्रिया में अभिप्रेरक कैसा होगा? अर्जित, सामाजिक, व्यक्तिगत या जैविक? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, नोट कर लें, अर्जित अभिप्रेरक होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। अब एक व्यक्ति राजनेता है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें, राजनेता व्यक्तित्व का व्यक्तित्व कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, बहिर्मुखी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किसी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने हेतु शिक्षक को विद्यार्थियों को किस प्रकार अभिप्रेरित करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, नोट कर लें, छात्रों को समय समय पर सफलता व प्रगति का ज्ञान देकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, आप आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे। राहुल अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है, साथ ही उससे कार्य उस कार्य द्वारा आय भी प्राप्त होती है जिसका प्रयोग वह जीवन निर्वाह में करता है, उपयुक्त परिस्थिति में अभिप्रेरक कैसा होगा? कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9-10 का यहां पर बच्चों करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन होगा, नोट कर लें, बाह्य अभिप्रेरक आंतरिक अभिप्रेरक दोनों होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति जब प्रथम बार अफीम खाता है तो उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है, परंतु जब वह अफीम खाने में अभ्यस्त हो जाता है तो उसकी प्रसन्नता या सुख बहुत कम हो जाता है, इस प्रक्रिया को किस सिद्धांत में रखा जा सकता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, नोट कर लें, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर
दोबारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। अधिगम की कुंजी किसके हाथ में रहती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ग तीन के किसी ना किसी सेट में आ सकता है, यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है। अधिगम की कुंजी किसके हाथ में होती है, करेक्ट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन होगा अभिप्रेरणा, नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 12 का डी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा तत्व सही नहीं है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा तत्व सही नहीं है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है, अभिप्रेरित क्रियाएं लक्ष्य की ओर अनिर्देशित होती हैं, अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य की प्राप्ति तक रहता है, अभिप्रेरित व्यवहार में लक्ष्य निश्चित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन होगा, नोट कर लें, ठीक है। अभिप्रेरित क्रियाएं लक्ष्य की ओर अनिर्देशित होती हैं, अनिर्देशित होती है, शब्द को समझे आंसर दे दोगे आप, ठीक है। यहाँ पर नहीं में आंसर पूछा है, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। अत्यधिक ठंड से व्यक्ति दूर रहना चाहता है क्योंकि इससे दूर रहने के कारण उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, अतः अत्यधिक ठंड से दूर रहने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करें। 14 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, धनात्मक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 15 है स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति गोल्ड मेडल को प्राप्त करने के उद्देश्य से अध्ययन करके परीक्षा पास करता है, इस कार्य में निहित अभिप्रेरणा कैसी होगी, नकारात्मक सकारात्मक उपयुक्त दोनों या दोनों नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, नकारात्मक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। दर्द निवारक तथा तापक्रम नियंत्रण किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं, आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16 का बच्चे यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा, यानी जन्मजात और शारीरिक अभिप्रेरक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन नंबर 17। एन के दत्त और के जी रस्तोगी द्वारा निर्मित परीक्षण है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, कमेंट करें सही आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका, नोट कर लें, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। यदि अवधान को रुचि को जन्म देने वाली माँ कहा जाता है तो रुचि किसे जन्म देने वाली माँ है, वेरी गुड, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि अवधान को रुचि को जन्म देने वाली माँ कहा जाता है तो रुचि किसे जन्म देने वाली माँ है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन होगा, अभिप्रेरणा, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है स्क्रीन पर, आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतः मुखाय की भावना से युक्त अभिप्रेरणा क्या है, स्वांता मुख सुखाय की भावना से युक्त अभिप्रेरणा क्या है, सुखाय लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19 का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, प्राकृतिक अभिप्रेरणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। जब भी विद्यार्थी कक्षा में सही इन अनुक्रिया करेगा तो उसे प्राप्त होगा पुरस्कार, प्रतिपुष्टि, अभिप्रेरणा, उपयुक्त सभी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। जब भी विद्यार्थी कक्षा में सही अनुक्रिया करेगा तो उसे प्राप्त होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का बच्चे यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अभिप्रेरणा, ठीक है दोस्तों। तो आज के 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को प्रेरित करें कि वो लकी सर की लाइव क्लास जरूर देखें। बच्चों हमारी रोजाना लाइव क्लास होती है, ठीक है, 9:30 PM पर रात को डेली लाइव क्लास होती है, तो आप लोग लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।